पता नहीं घर गेट बना है, गेट से अलग अलग नाम दिए गए हैं, पता नहीं भाई ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो। जिसको पता है ये कोई टेंपल नहीं है, बस ऐसे पत्थर है। और कि किन किन लोगों ने बचपन में इस तरीके से पानी पिया होगा, कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? बस मैं यूट्यूब आपका फॉलो कर रहा था। हाँ। और इंस्टाग्राम पेज। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो गाइस, थंबनेल से तो ऑलरेडी आपको पता चल ही गया होगा कि हम कांगड़ा फोर्ट जा रहे हैं, और ये कुछ हमारा जहां से हॉस्टल है वहां से नीचे मैक्लोडगंज मेन मार्केट का रास्ता। तो जस्ट अभी हम निकले ही हैं, टाइम अभी हो रहा है 12:40। तो मस्ती में है आज, आज रात भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं निकला हूं। काफ़ी टाइम से एडिट कर रहा हूँ और बैक टू बैक आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग राइड लेके आने वाला हूँ मैं। बस अब कांगड़ा फोर्ट चलते हैं, वहाँ की हिस्ट्री वहीं के लोगों से ही सुनूंगा, अदरवाइज़ मैं इंटरनेट से पढ़ के विकिपीडिया पढ़ के वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ क्या ही फ़ायदा है, फिर वो तो कॉपी पेस्ट करके मैं लगा दूंगा, वो तो आप भी पढ़ सकते हो या आपको भी जानना हो तो आप जान सकते हो। बट मैं जाके वहाँ के लोकल लोग से सुनना चाहता हूँ कि उनको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में क्या पता है और क्या रही है यहाँ की हिस्ट्री। तो चलते हैं, बाकी ये आप देख सकते हो हम ऑलमोस्ट मेन मार्केट पहुँच गए हैं। 10 मीटर दूर है हमारी मेन मार्केट, और आगे यार यहाँ पे ना जाम लग जाता है पतली गली होने की वजह से, और अभी भी ट्रैफिक लग चुका है अच्छा खासा। स्कूटी है, स्कूटी को तो आराम से निकल जाना चाहिए, बट ये लोग ना थोड़ा रास्ता नहीं देते। तो बस ठीक है, अभी आराम आराम से निकल रहा हूँ। बाकी ये हम पहुँच गए, मेन चौक है ये मैक्लोडगंज की। तो ये गाइस, अभी हम धर्मशाला पहुँचे हैं, कांगड़ा के लिए निकल रहे हैं। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था कि 18 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ की जो ज़मीन है भाई, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नीचे प्लेन की तरफ होती है ना, जैसे दिल्ली यूपी बिहार साइड में, जैसे यहाँ पे आपको पाइन ट्रीज़ वगैरह थोड़े कम दिखेंगे, जैसे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि हम कहीं नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक यहाँ का ये पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे नॉर्मल शायद मेरे को लगता है खेती वेती भी लोग करते होंगे अच्छी खासी। यहाँ की गैस धूप ऐसी है ना कि अगर आप रुक जाओ कहीं पे जला के राख कर देगी, वैसी वाली धूप है। आप चलते रहोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है भी या नहीं। यहाँ से 8 किलोमीटर कांगड़ा है, बोर्ड पे लिखा हुआ था, और कहीं से तो अंकल ने बताया कि अबे क्या कर रहा है भाई, कभी राइट लेके जा रहा है कभी लेफ्ट लेके जा रहा है। अंकल, कांगड़ा के लिए कौन सा रास्ता है? अच्छा, थैंक ठीक है, थैंक यू भाई। मेरा तो एक ही फंडा है कि जितना कम से कम गूगल मैप यूज़ कर सकते हो ट्रैवल करते टाइम, उतना कम से कम उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है ना उतना कम से कम रखो, लोकल लोगों से पूछो, वो ज़्यादा बेटर है, मैं तो वो समझता हूँ भाई। तो भाई कांगड़ा में सबसे पहले हम कांगड़ी धाम थाली खाएंगे, पहले पेट पूजा जरूरी है। आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा, जब मैं शिमला से धर्मशाला आ रहा था तो कांगड़ी धाम थाली खाया था, तो उसी शॉप पे जाएंगे, फेमस शॉप है, आप लोगों को दिखाया है, आप लोग भी विज़िट कर सकते हो जब भी आप कांगड़ा आओ, वहीं पे जाएंगे खाएंगे, आगे फिर आपको लेके चलूंगा कांगड़ा फोर्ट। A few moments later. तो भाई ये आप लोग देख सकते हो, ये है वो कांगड़ी धाम थाली। तो अभी मैं खाता हूँ फिर उसके बाद मिलता हूँ, आप लोगों ने तो ये देखा ही हुआ है, दोबारा दिखाने कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई पेट पूजा तो हो गई और मज़ा ही आ जाता है भाई कांगड़ी धाम खाने के बाद। अब जैसे मैं मेरा जो गट है ना वो ऐसा शिट नहीं ले सकता कि जलन वाली चीज़ें खा लो, मसाले मिर्च वाली चीज़ें खा लो,
थोड़ा सा खाना में हल्का फुल्का सा लाइक जो मसाला उसका टेस्ट है, बट ऐसा भी नहीं कि इतना जहर डाल दिया उसमें कि खा गई बंदे की बैंड बज जाए, वैसा वाला नहीं। तो कांगड़ी धाम थाली ऐसी ही है भाई, खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि जलन होना या फिर इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो अभी खा लिया है पूरा, नेक्स्ट लेवल का ही मज़ा आ रहा है। बाकी आप राइड देख ही रहे हो हमारी, राइड अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और कर सकते क्या हो, करना ही पड़ेगा अगर देख रहे हो तो। हाँ भाई मैं कुछ नहीं जानता, बस अब करना है तो बस करो जो करना है, सब्सक्राइबर वाले बटन के साथ वो करो, घंटी दबाओ, जो करना है वो करो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो बस भाई अब हम फोर्ट के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ता किधर से नहीं, थोड़ा हम लोग ढूंढ रहे हैं रास्ता, रास्ता मिलते ही फिर निकलेंगे। प्राचीन जैन कांगड़ा किला ये रहा इस साइड है। वो रहा किला। तो बस भाई रोड से तो हमें दिख रहा है किला, बाकी अब धीरे धीरे गाड़ी चढ़ेगी तो सारा देखवा। ये पुल का तो शूट ही अलग ही लेवल का आता है भाई, मतलब मजा ही आ जाता है। देखो भाई ये स्कूटी की स्पीड देख लो, 15-20 पे चल रही है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई स्टीप हो गई है, किला काफ़ी ऊपर जा कर के है। तो मेन रोड से कितनी दूर है ये तो मुझे अभी नहीं पता, शायद 1-2 किलोमीटर होगा, मे बी 1 किलोमीटर था, शायद 1 किलोमीटर लिखा था, आई थिंक 1 या 1 पॉइंट समथिंग। एनीवे तो बस आराम आराम से चल रहे हैं ताकि बेल्ट पे कुछ ऐसा दिक्कत विक्कत ना हो। ये गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ? हाँ अच्छा, स्कैन करें या कैश कर दूँ? सर कैश में भी है, स्कैन भी है, जैसे आपकी इच्छा। स्कैन में कोई डिस्काउंट है क्या? इसमें 20 रुपये है, इसमें 25 रुपये है। तो भाई ये आप देख सकते हो ये रहा सामने फोर्ट, जो कि कांगड़ा फोर्ट है। अभी हम ऊपर तक जाएंगे, ये यहाँ पे म्यूज़ियम है, ये देख सकते हो आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम कांगड़ा। गाइस ये देखो इस पत्थर की जो कार्विंग है ना, ये मुग़ल के टाइम की है और काफ़ी सही है भाई, हाथों से की हुई है, ऐसे ही एक लाइन से आपको मिल जाएगा। ये सब मुग़ल के टाइम का पत्थर है। ये देखो यहाँ भी कुछ ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, काफ़ी सही है। वैसे ये हम अंदर आ चुके हैं भाई, देख सकते हो अभी दोनों तरफ से पहाड़ है, बीच से काटा गया है इसको और ऐसे रास्ता बनाया गया है, आहिनी दरवाज़ा। तो ये भाई आहिनी दरवाज़ा, ये भाई जहांगीर गेट, पता नहीं घर गेट बना है, गेट के अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ थोड़ा चढ़ के आपको ऊपर से दिखाता हूँ, जहांगीर गेट के बाद एक ऐसा थोड़ा सा ऊपर से व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, देखो भाई कैसा लगता है, ये देखो, ये भाई कांगड़ा, नीचे वो सतलुज रिवर है, ये भाई अंधेरी गेट। सारे नाम जो है ना दिल्ली में जो जो जगह हैं उनके नाम से, मुंबई अंधेरी तो शायद मुंबई में पड़ता है, इन लोगों के नाम से गेट, और पता नहीं अलग अलग नाम से अलग अलग गेट क्यों बनाया है। यहाँ पे कुछ आप टेंपल भी देखोगे, कुछ टोम भी देखोगे मुग़ल के टाइम का। मैं हिस्ट्री देख रहा था तो उसमें था कि अंदर मुग़ल ने टोम भी बनाया हुआ है, तो अभी वो देखना है कहाँ मकबरा बनाया है।
लेफ्ट साइड में एक दिख तो रहा है, पता नहीं शायद ये मकबर है, श्री आदिनाथ जैन टेम्पल और अंबिका देवी टेम्पल। अभी बंद है। ये भाई ये कोई टेम्पल नहीं है, बस ऐसे पत्थर है और मंदिर के शेप की ना कार्विंग कर रखी है यहाँ पे। बाकी आप ऊपर से कुछ सीन देख लो। ये वही टेम्पल है जो अभी दिखाया था, जैन कोई टेम्पल करके, और एक अंबिका टेम्पल है। बाकी ये है कुछ सीन। अब थोड़ा हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये भाई एक छोटा सा गार्डन दिखा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बैठ सकते हो अगर वेदर अच्छा हो तो, अदरवाइज धूप में तो बैंड ही बज रही है। तो भाई अभी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का लाइक व्यू कैसा है कैसा नहीं है। बाकी वही चीज़ सेम चीज़ यार, धूप बहुत ज़्यादा ही लग रही है। बिना सनग्लासेस के तो लाइक आपकी बैंड बच जाएगी। और मेरे पीछे का कुछ व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक आप देख सकते हो ये पीछे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है गाइस। हाय हाय गाइस, आई एम सतीश मरीम। या ही इज़ माई सब्सक्राइबर। काफ़ी टाइम से ये मुझे ढूंढ रहे थे, अभी पता नहीं मैं कैसे मिल गया इनको। काफी धूप है, काफी धूप है यहाँ पे। धूप में दूरते बंदर जी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? बस मैं YouTube आपका फॉलो कर रहा था और Instagram पेज, उसी से मेरे को पता चला कि आप यहाँ आने वाले हो। आप ही लोगों जो आसपास था यहाँ पे, तो जस्ट मैंने फॉलो किया और यहाँ पे। ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हो भाई, तुम्हारे भाई की फैन फॉलोइंग देख रहे हो भाई। सच बताओ तो ये मेरे साथ आया हुआ है ये भाई। अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे होगे तो आप लोग को पता होगा, जो लोग पुराने उनको लग रहा होगा कि ये साले ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा लगा होगा, बट नहीं, ये भाई मेरे साथ में ही आया है। हम दोनों साथ पे ही आए धर्मशाला से, यहाँ तक हमने साथ में टूर किया। यस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ से। और त्रियुंड जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, त्रियुंड कैंप साइट या फिर हिमट्रैक बोल लें या लेजी मंग बोल लें या शिव शक्ति, वहाँ पे भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और ये लाइक क्या चीज़ हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, लाइक आपको उस चीज़ का बेनिफिट ये कैसे दे सकते हैं, ये भी खुद बताएंगे। ठीक है, कंटिन्यू। मेरा नाम अजय है एंड मैं मैक्लोडगंज पे रहता हूँ। जैसे कि मैं इन्होंने बताया कि मैं सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ पूरे हिमाचल में हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज़ कराती है, तो स्पेशली मैं मैक्लोडगंज पे चार ट्रैक करवाता हूँ, त्रियुंद, इंद्रहार, लाका एंड मूनपीक एक्सपेडिशन एंड करीरी लेक। एंड अगर हमारी टीम पूरी हिमाचल में है, अगर आपको कहीं भी ट्रैक करना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा गाइड, लोकल गाइड सारे आपको अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ट्रैक करवाएंगे और मेमोरीज अच्छी क्रिएट कराएंगे। तो गैस भाई का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कॉल कर सकते हो, कोई भी पैकेज लेना हो, कुछ भी करना हो तो भाई से जो जो भी इन्होंने बताया है ट्रैक पॉइंट वहाँ के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट करना और बेस्ट पैकेज देंगे आपके लिए। दोगे ना भाई? हाँ, 10% डिस्काउंट वंडर पाजी के सब्सक्राइबर लो, 10% डिस्काउंट मेरे सब्सक्राइबर को, तो मेरा नाम लेकर के या मेरा रेफरेंस लेकर के जो भी जाएगा उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये भाई थोड़ा सा आप लास्ट इसके पॉइंट तक आओगे ना तो ये आपको पूरा ओपन स्पेस मिलेगा, ये आप देख सकते हो उस साइड है वो पूरा फोर्ट का बाकी जो हिस्सा है जो अभी तक आप लोगों ने देखा है, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे 5:30 बजे बंद होता है ये और 9:00 बजे खुलता है, और 25 रुपये आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग 20 रुपये दिए अगर आप स्कैन करते हो, अदरवाइज़ 25 रुपये अगर आप मैनुअली टिकट लेते हो, प्लस यहाँ पे आप थोड़ा सा बैठ बैठ सकते हो, दो ही चेयर है फ़िलहाल तो। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, फ़ोटोग्राफ़र के लिए ये प्लेस वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने कुछ कार्विंग वगैरह देखी होगी, जो आर्किटेक्चर है वो सब देखा होगा आपने, लाइट काफ़ी अच्छी पड़ रही है यहाँ पे, तो इस टाइम पे लाइक फ़ोटोग्राफी करनी है, फ़ोटोशूट करना है तो उसके लिए अच्छा है। धूप दिखाऊं भाई, ये देखो, देख रहे हो खोलता हुआ आग का गोला। पता नहीं भाई ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो, जिसको पता है हाँ उसमें। अच्छा अच्छा
गाइस आप लोगों में से किसी को पता होगा जो हिस्ट्री लवर है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ है ये। यहाँ पे कोई गाइड नहीं अंकल? हाँ गाइड तो रखना चाहिए था। कुछ हिस्ट्री मालूम है इसकी आपको? ये मंदिर वगैरह थे सारे, देख लीजिए। ये मंदिर थे, ऊपर पैलेस था, बट जैसे बाकी फोर्ट लगते हैं देखने में वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है उससे। अच्छा भूकंप आया था ना 1905 में गिरा भाई ये? हाँ 1905। अच्छा 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 अच्छा, और जो गिरा उसका क्या किया? बाकी मलबा फेंक दिया। अच्छा हाँ, वही मैं कहूँ कि किला किला जैसा नहीं लग रहा है, जगह जगह कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब गिरा पड़ा है। अच्छा अच्छा, और बाकी ये किनका था किला, कौन से राजा का किला था? यहीं के थे वो? कौन से राजा? सुसार चंद। सिर? सुसार। सिलसार, सिलसार चंद। अच्छा, और मुगलों ने फिर छीन लिया उनसे? कई राजा, पंजाब का राजा हुआ, नेपाल का राजा, मुस्लिम, सब भी राज किया। हाँ हाँ, और आखिरी में किसने किया? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने? अंग्रेजों के बाद फिर वापस आज़ादी के बाद छीन लिया गया हम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी मेरे को सडनली याद है। अरे भैया वो भाई, अरे भाई साहब, लेने लेने चक्कर पता चला इधर से कूदना पड़ रहा है बचाने के लिए। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि किन किन लोगों ने बचपन में इस तरीके से पानी पिया होगा। अलग ही आनंद होता था यार इस तरीके से पानी पीने का, और लिटरली प्यास भी ऐसे ही बुझती है जब अपना हाथ इन्वॉल्व होता है, चाहे खाने में चाहे पीने में। कमेंट करना ठीक है। तो गाइस ये था एक छोटा सा व्लॉग कांगड़ा फोर्ट का। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर किया करो, कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी करो, जिससे कि एज अ पर्सन मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाऊँ, सेल्फ भी और अपना कंटेंट भी, और एडिटिंग वगैरह में भी कुछ लगता है तो वो भी। तो या कल फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक नए व्लॉग में नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। भाई कुछ बोलना चाहोगे? बाय बाय गाइस, एक बार ज़रूर विजिट करें कांगड़ा फोर्ट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ गाइस ठीक है।